आज सवेरे मुझे एक फोन कॉल आया है। मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि ये एक सोल्यूशन है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का, और पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो हम कमजोर माने जाएंगे। शेयर करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और अगर आपको भी ऐसे कोई थॉट्स आते हैं तो प्लीज अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। किसी को ढूंढिए अपने आसपास, अपने दोस्त यार रिश्तेदार, कोई नहीं है तो हम हैं, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म मत कीजिए। मैं आपकी स्टोरी सुन के आपके साथ रोना पसंद करूंगा बनिस्बत इसके कि मैं आपके जिनाजे पे आके आपके पीछे रोऊं। सो प्लीज अब जहां भी है दिल में बात मत करिए, बात कीजिए, आप किसी से भी शेयर कीजिए, आपके पास अपने दोस्त यार कोई भी स्ट्रेंजर या हमसे बात कीजिए, हम सुनेंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी को तबाह मत कीजिए। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे आए और अपने जज्बात अपने वाकात को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज जो भी आप में से शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। I wanna take some time. बिल्कुल, take your time. No pressure. मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा नाम ज़ैनब है और मेरी शादी को 7 साल हुए। मेरा 4 साल का बेटा भी है। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे और मेरे शौहर के बीच झगड़े शुरू होने लगे, बेफजूल सी बातों पे। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था इन छोटी छोटी बातों पे मैं लड़ती क्यों हूं। और फिर उनके कारोबार से बरकत सी चली गई, नुकसान पे नुकसान। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें दमे और दिल की बीमारी हुई। महीने कब सालों में गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन फिर एक खुशी ने हमारे घर पे दस्तक दी। मैं मां बनने वाली थी। और इस खुशी ने हमारे घर के सारे गम सारी परेशानियां दूर कर दी, और मैं मेरे शौहर की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। पर क्या करें, खुशियों को कभी भी हमारा आंगन रास ही नहीं आया। मेरा अबॉर्शन हो गया, और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। फिर चौथी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी अम्मी मुझे एक खुदा दोस्त के पास लेके चली गई मेरे बच्चे की सलामती की दुआ के लिए। फिर उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऊपर बहुत ही खतरनाक काला जादू किया गया है। हमारा कोई अपना ही नहीं चाहता था कि हम खुश रहे। मेरे ही अबॉर्ट किए हुए बच्चों की कब्रों पे हमारे खिलाफ ताबीज दफना दिए गए थे। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? हमारे हाथ जब भी दुआओं के लिए उठते सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करते।
फिर अपने लिए। हमारा घर बर्बाद करके कौन सी खुशी मिली उनको? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम जिब्रान है और मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ। मैं जब 14 साल का था, मेरे फादर इंतकाल कर गए और चूंकि हम एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसकी वजह से मेरी जो माँ है वो दूसरे घरों में काम करने के लिए जाती थी। ये सब सदमे से मैं टूटकर नशे करने लगा और कब एक सिगरेट बाकी सारे नशों में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जैसे ज़िंदगी बढ़ने लगी, मेरी उम्र बढ़ने लगी, वैसे ही मेरे नशे भी बढ़ने लगे और नशे की तलब भी बढ़ने लगी। और इसके चलते ही मैं चोरियां करने लगा। पहले मैं बाहर चोरियां करता था, फिर वहां पे जब पिटाई होती थी तो फिर मैं घर में चोरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने घर से गैस सिलेंडर, राइस कुकर वगैरह चुरा लिए और चुरा कर वो सब बेच दिया और उन पैसों से मैंने नशे खरीद लिए। माँ थक हार के शाम को घर आई, जब उसको ये बात पता चली तो बहुत रोने लगी। उस रात मेरी माँ और बहन ने खाना नहीं खाया। मेरी एक बहन है, बालिग हो गई है। मेरी जो माँ दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती थी, उसके लिए वो कुछ सोना इकट्ठा करती थी, जैसे झुमके, अंगूठियाँ वगैरह, लेकिन वो घर में नहीं रखती थी, वो कहीं और किसी और जगह छुपा कर रखती थी। और मेरे ड्रग लॉर्ड्स की वजह से बहुत से कर्जे चढ़ गए थे। वो मुझे बोल रहे थे कि या तो तुम अपना कर्जा चुका दो वरना तो हम तुम्हें मार देंगे। अब मैं मुझे पता चला कि मेरी माँ जो है वो कहीं और सोना वगैरह छुपाती है। मैंने वो जगह देखी। एक दिन मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ से सारा सोना उठाया। उन पैसों से एक तो मैंने अपना कर्जा चुका दिया और खूब सारे नशे भी खरीद लिए। फिर ये बात जब घर में पता चली, मेरी बहन ने फांसी लगा दी और इस वजह से मेरी माँ को हार्ट अटैक आया। बहन बच गई लेकिन माँ मर गई। मैंने अपनी माँ को गवा दिया। फिर दो दिनों के बाद, तीन दिनों के बाद जब मैंने सोचा कि मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने अपनी माँ को गवा दिया है, उसी वक्त मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर गया, वहाँ के डॉक्टर से बात की, उनसे कहा कि मैं ऐसे नशे में मुबतला हूँ और मुझे चाहिए कि मैं इन सब से दूर जाऊं, क्योंकि वरना मैं सारी दुनिया तबाह करता हूं। आज 6 महीने हो गए हैं मैंने किसी भी ड्रग्स को खाया। माशाल्लाह मेरी बहन की पिछले ही हफ्ते एंगेजमेंट हो गई। माशाल्लाह, इंशाल्लाह और अगले साल उसकी शादी भी करूंगा। शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने वो हार्ड पीरियड्स हमारे साथ शेयर किए, जो कि बहुत ही मुश्किल है कहना, बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी प्राउड उसके लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमने यहाँ पे चाय रखी है, प्लीज इफ यू वांट टू हैव सम टी टू हेल्प योरसेल्फ। तब तक मैं ऑडियंस से बात करता हूँ। अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हम आपको डिटेल दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप आ सकते हैं। अगर आप कश्मीर में नहीं हैं, कहीं दूर हैं, तो आप वहाँ से हमें वीडियो भेज सकते हैं। अगर आप कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं तो आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं या हमसे बात करके हमें बोल सकते हैं और फिर हमारे एक्टर्स उसको परफॉर्म करेंगे।
अगर आप शेयर भी नहीं करना चाहते हमारे साथ कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज किसी से शेयर करो, अगर आप के दिल पे कोई बोझ है प्लीज शेयर करो, और हम अपनी स्पेसेस को एक सेफ स्पेस बनाएं और जहाँ पे हम किसी को जज ना करें। शुक्रिया, और अगर यू वॉन्ट टू हेल्प अस इन एनी वे, देयर इज अ नंबर वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस, यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर अस, कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू टॉक टू अस। Thank you so much. Thank you then. Thank you.